एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज आपको हरी टीवी दिखा रहा है, जहां बैसाखी का स्नान एक तरफ चल रहा था तो वहीं शासन प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन तस्वीरें आपको उत्तरी हरिद्वार के सर्वानंद घाट एवं अन्य घाटों की दिखा रहे हैं कि जो मुख्य गंगा हर की पौड़ी को जाती है उसके आप आज के आलम देखिए कि गंगा में डुबकी मारने तक के लिए जल नहीं था। और स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पहुँचे वो यही कहते हुए नज़र आए कि आखिर स्नान करें तो करें कहाँ। हालांकि तटबंध का पीछे कुछ काम चल रहा था, लेकिन आज जैसे महत्वपूर्ण स्नानों पर तो जल छोड़ा ही जा सकता था। रिश्ते में तो हम माइलेज के बाप होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोग काफी नाराज भी दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गंगा में आपको सीधे तौर पर पत्थर दिखाई दे रहे होंगे और रुका हुआ जल आपको नजर आ रहा होगा। ये देख सकते हैं ये गंगा जो है ये हर की पौड़ी की तरफ जा रही है और सामने आपको खड़खड़ी का शमशान घाट में भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यह बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतने मुख्य स्नान पर भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई। तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन द्वारा शाम 7 बजे तक हरिद्वार के विभिन्न घाटों पर 9,45,000 श्रद्धालुओं के स्नान की सूचना मीडिया को दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम आपको जो ये अपनी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इससे लोग आज